एक ही बात कहना चाहूँगा, शुरुआत हो चुकी है। दोस्तों शुरुआत हो चुकी है, इससे क्या मतलब है मेरा? तो एक बार फिर से आपका स्वागत है ग्रीन टॉक चैनल पर, एंड दिस इज़ नरेंद्र कुमार। और मैं आपको बता दूं कि मेरा इस शब्द से क्या ताल्लुक़ है, शुरुआत हो चुकी है, तो किस चीज़ की शुरुआत मैं करना चाह रहा हूँ यहाँ पर। दोस्तों मैंने एक दो साल पहले की बात है, एक आर्टिकल पढ़ा था और उस आर्टिकल के अंदर मैंने एक लाइन देखी थी, रिवॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो कहीं ना कहीं सोचते थे लोग, और मैं भी सोचता था, ऐसी बात नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा मैं नहीं सोचता था, मैं भी सोचता था कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, ठीक है। मैंने कहा सक्सेस उतने, इतना सक्सेस कैसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इतना पावरफुल कैसे बनाएंगे हम उसको, ठीक है, इतना लॉन्ग डिस्टेंस कैसे कवर किया करेगा वो, जैसे कि डीजल पेट्रोल व्हीकल्स कवर करते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं एक बात कहना चाहूँगा कि शुरुआत हो चुकी है इन सब चीज़ों की। और मैंने कल अपने सिटी में मथुरा वृंदावन में कल इलेक्ट्रिक बस देखी, और वो इलेक्ट्रिक बस कोई नॉर्मल प्राइवेट एजेंसी के लिए काम नहीं करती है, वो गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक बस थी, सरकार के द्वारा चलाई गई इलेक्ट्रिक बस थी। तो मतलब अगर बात करूँ मैं प्राइवेट लोगों की, प्राइवेट एरिया की, तो प्राइवेट में तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो लगभग एक साल पहले या दो साल पहले आना स्टार्ट हो गए थे। और जो टाटा नेक्सॉन ईवी जो आई थी हमारी कार, जो कि 240 का डिस्टेंस कवरेज देती है, वो लगभग एक साल पहले आ गई थी मार्केट में, और काफ़ी लोगों के पास है मेरी सिटी के अंदर भी। और अगर मैं बात करूँ टू व्हीलर्स की, तो वो तो हर गली में मिल ही जाता है। तो कहने का मतलब है कि शुरुआत हो चुकी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, और अब समझ चुकी है सरकार भी कि फ़ायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही है। और फ़ायदा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्यों है, इसका कारण मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, ऐसा होता है कि हम जो नॉर्मल व्हीकल्स को यूज़ करती है गवर्नमेंट, ठीक है, अब गवर्नमेंट का काम छोटा मोटा तो होता नहीं है, गवर्नमेंट का काम बहुत बड़े लेवल पे होता है, ठीक है। हज़ारों गाड़ियां चलती हैं डेली उसकी, हज़ारों काम वो उसको करने होते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट एक देश को चलाती है, ठीक है। अब उसमें खर्च होता है उनका ईंधन, तो नॉर्मली अगर मैं बात करूँ पेट्रोल डीजल की, तो उसमें बहुत ज़्यादा उनका जो है नुकसान होता है, नुकसान इन द सेंस मैं कहूँगा कि खर्चा होता है इसमें उनका। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक की बात करूँ, तो इलेक्ट्रिक से फ़ायदा क्यों है? देखो सबसे पहली बात, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में आपको एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है। अगर मैं स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो एफिशिएंसी ज़्यादा मिलती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर बिकॉज, और दूसरी चीज़ स्पेस बहुत मिलता है, क्योंकि छोटी सी मोटर तो लगानी है। मतलब कहने का ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के अंदर आपको स्पेस बहुत मिलता है, पावर बहुत मिलती है, क्योंकि मोटर की जो एफिशिएंसी है इन कंपेरिजन टू इंजन से बहुत ज़्यादा होती है मोटर की एफिशिएंसी। दूसरी चीज़ यहाँ पर कि जो डिस्टेंस हम 400 रुपये का फ्यूल खर्च करके कवर करेंगे, नॉर्मल सी बात है कि अगर कोई बस है या कोई गाड़ी है जो 10 का एवरेज देती है, और 400 रुपये में आ रहा है 4 लीटर फ्यूल, और हम 4 लीटर फ्यूल में जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसके अंदर, नॉर्मल सी बात है उस डिस्टेंस को हम 15 या 20 रुपये की बिजली खर्च करके कवर कर लेंगे उसी व्हीकल के अंदर, सेम व्हीकल के अंदर। तो कितना ज़्यादा मतलब आपको बचत हो रही है पैसे की, आप ये देख सकते हैं। तो गवर्नमेंट को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में बचत होगी, जो गवर्नमेंट का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है इसमें गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा बचत होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अप्लाई करने से, इस चीज़ को गवर्नमेंट समझ चुकी है। दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि नॉर्मली गवर्नमेंट से हमको भी ये चीज़ सीखनी चाहिए, और हमको भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लाना चाहिए। सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खर्चा तो कम करते हैं, पावर ज़्यादा देते हैं, ये कार्बन एमिशन भी नहीं करते हैं, ये कार्बन एमिशन भी नहीं करते हैं। हाँ इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कार्बन एमिशन हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, मैं कहूँगा एक तरह से कि एक्टिव कार्बन एमिशन नहीं हो रहा है, पैसिव हो रहा है। अब मैं इसको पैसिव क्यों कह रहा हूँ? दोस्तों देखो, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं उनको चार्ज करने में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज करने में जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज़ करते हैं, वो भी कहीं ना कहीं थर्मल पावर प्लांट से बन के आ रही है, मतलब कोयले से बन के आ रही है। तो एक जगह कार्बन एमिशन कर ही रही है, लेकिन इन फ्यूचर वो भी स्विच करा जाएगा जल्दी से जल्दी, अगर इसी प्रकार से गवर्नमेंट काम करती रही तो। दूसरी चीज़ कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस टाइम पे इतनी अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी के, इतने अच्छे अच्छे फीचर्स के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स देखने को मिल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ टू व्हीलर्स की, तो अभी कुछ दिन पहले, लगभग एक साल हो गई, एथर 450 लॉन्च हुआ था, स्कूटर है, इलेक्ट्रिक स्कूटर, और उसमें जो पावर है उसकी पावर को देखने के बाद मैं खुद इम्प्रेस हो गया था। मैंने कहा इतना पावरफुल स्कूटर और इतना गजब का स्कूटर, मैंने कहा और रेंज इतनी अच्छी इसकी, 28 न्यूटन मीटर का टॉर्क है उसके अंदर। और अगर बात करूँ मैं आज की, तो अभी कुछ महीने बाद लॉन्च होने वाला सिंपल वन, जिसके अंदर 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क है और लगभग 236 किलोमीटर का डिस्टेंस कवरेज देता है एक बार चार्जिंग करने में, सिंगल चार्ज में। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कितना फ़ायदा है। दूसरी जगह, अगर आप इन्वायरमेंट से थोड़ा सा भी लगाव करते हैं, इसको ना कार्बन एमिशन से भरना नहीं चाहते, अलग अलग टाइप के कार्बन एमिशन से आप इसको लोड नहीं करना चाहते, तो आप भी कहीं ना कहीं स्विच करिए और अपने ये जो फ्यूल वाले व्हीकल्स हैं इनकी जगह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ करना स्टार्ट करिए। तो आपकी क्या राय है इसमें, कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।